हाय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हार्डी रूट्स में। तो आज देखते हैं मम्मी क्या कर रही है, क्योंकि बहुत दिन हो गया मम्मी और मुझे साथ में वीडियो बनाए। तो आइए चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं और पूछते हैं कि क्या करने वाली हैं। तो मम्मी हेलो, तो वेलकम बैक मम्मी, आप साथ में बहुत दिनों बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। और आप आज क्या करने वाली हैं? मैं एक हफ्ते नहीं थी तो मेरे गार्डन में, आप भी नहीं थे तो, और ये देखिए मेरे गार्डन में क्या हो गया, मेरे गुड़हल के प्लांट में और इसमें ये थोड़ी थोड़ी सी पत्तियां जो कल हो रही हैं, इसका कुछ क्या है रीज़न, मैं देखती हूँ इसमें क्या मैं डाल सकती हूँ, इसको कैसे मैं बचा सकती हूँ और इसमें क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आ गई हैं अपने साथ एक जुगाड़, और उस जुगाड़ मतलब उसकी मेडिसिन लेकर आ गई हैं कि हमारे गुड़हल को कैसे बचाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अपने गुड़हल को आप कैसे बचा सकते हो, फ्लावरिंग बहुत अच्छी कैसे दे सकते हैं। तो मम्मी आप बताएंगी कि क्या करना है। मैंने अपने गुड़हल के प्लांट में जो कमी है उसको मैं बताने वाली हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या कमी हो सकती है, इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और की कमी है। तो इसमें मैंने तो फंगिसाइड का स्प्रे किया था, तो मैंने सोचा पेस्ट कंट्रोल है, लेकिन पेस्ट की वजह से नहीं है क्योंकि मेरे प्लांट में कोई पेस्ट नहीं लगा है। और हाँ, इसमें मैं यही जान सकती हूँ कि इसमें आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी की वजह से ये मेरा प्लांट ख़राब हो रहा है। तो हम अपने प्लांट को बचाने का दो ही तरीका, या तो इसको भरपूर फर्टिलाइज़र दें या फिर इसमें फंगिसाइड का स्प्रे करते रहें। प्लांट में कभी भी आप फर्टिलाइज़र दें तो इसको देख के और उसके प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से फर्टिलाइज़र दें। ऐसे फर्टिलाइज़र ना दें कि प्लांट की ग्रोथ बहुत छोटी हो और ढेर सारा फर्टिलाइजर, नहीं, गमले के इंच के बराबर से फर्टिलाइज़र देना चाहिए। 10 इंच पॉट में कितनी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए इसकी क्वांटिटी आपको ध्यान रखना चाहिए। और सभी प्लांट्स मेरे देख रहे हैं इस समय कोई भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, बर्ड्स भी आ रहे हैं और गिर जा रहे हैं। रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न आपको मैं बताती हूँ इसका रीज़न क्या हो सकता है। और सभी में देखिए बर्ड्स तो आ रहे हैं लेकिन इसकी पत्तियाँ हमें देखिए पूरी ग्रीनी नहीं है और सभी थोड़ी सी मुड़ी मुड़ी हुई है और सभी की, और कुछ लीव्स भी थोड़ी सी धूप की भी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें धूप भी लग रहा है जिसकी वजह से प्लांट मेरा थोड़ा मर रहा है, मर नहीं कहेंगे कि मर नहीं रहा है, थोड़ा सा शॉक में जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये कितना कल हो गया है और ये पूरे जो बर्ड्स लग रहे हैं ये गिर रहे हैं। तो अब क्या करना होगा मम्मी इसके लिए, हमें इसके लिए हमें बेस्ट फर्टिलाइजर देना है। और बेस्ट फर्टिलाइजर क्या हो सकता है ये आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। अब मैं बताती हूँ बेस्ट फर्टिलाइजर क्या, इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइजर यही है जिसमें हमको मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन मिल सके। तो ये आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम अलग अलग तरीकों से तो हम नहीं ले सकते ना, इसीलिए हमारा सबसे बढ़िया होता है हमारा किचन वेस्ट कम्पोस्ट जो हम अपने घर में ही बनाते हैं। और ये आप देख सकते हैं मैंने कितना बढ़िया किचन वेस्ट कंपोस्ट बना के रखा है, आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट बना, जिसमें देखिए अंडे के छिलके भी हैं और सभी चीज़ें हैं इसमें। और ये है मेरा बर्मी कंपोस्ट, और बर्मी कंपोस्ट भी आप देख सकते हैं। और ये है मेरा एप्सम सॉल्ट, मैं थोड़ा सा भूल जा रही हूँ, एप्सम सॉल्ट है। और ये नीम खली, नीम खली क्या होता है कि हमारे प्लांट की जो मिट्टी में जो भी फंगस होते हैं उसको काट देता है और हटा देता है और हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये है मेरा फंगिसाइड जो मैंने मैंगो जिप 75% लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को, और थोड़ा सा मैंने DAP के 4-5 दाने लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए, 4-5 दाने। ये फर्टिलाइज़र हमारे दो प्लांट के, दो पॉट के हिसाब से मैंने लिया है। तो आपको इसी को मैं मिक्स कर रही हूँ, ये इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से, और बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स करके आप अपने प्लांट को कैसे डालना है आइए हम बताते हैं। प्लांट में कभी भी फर्टिलाइज़र आप ऐसे करके तुरंत ना डाल दें, एक दिन पहले इसमें वाटरिंग बंद कर दें ताकि इसकी मिट्टी जो है हल्की सी सूख जाए। देखिए मैंने एक इसकी है मैं, और आइए मैं बताती हूँ इसको कैसे डालना है। ये देखिए मैंने एक दिन पहले कल शाम में पानी डाला था, सुबह मैंने नहीं डाला था इसलिए कि मुझे फर्टिलाइज़र देना था इसमें, और मैं इसकी गुड़ाई करूँगी। मैं एक सेकेंड इस प्लांट को मैं बाहर ले आती हूँ फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अपना पूरा दम लगा के इसको बुला ही लिया है बाहर, और देखिए
इस प्लांट में भी कर प्लांट को कैसे हमको फर्टिलाइजर देना है आपको मैं बता दूँ। प्लांट को हल्की हल्की थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए और इसमें जितने भी हैं सब लीफ सूखे हुए हटा देते हैं या फिर इसी में रहने देते हैं क्योंकि लीफ सूखी है तो ये तो भी एक फर्टिलाइजर का ही काम करेगी। बहुत ही ज़्यादा इसको प्रेस करके नहीं इसको गुड़ाई करना है। गुड़ाई करते समय भी ध्यान दें कि इसके रूट्स न कटें। फाइबर रूट्स कटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो फिर से आ जाते हैं। और आप देखिए ये मैंने अपने प्लांट को किनारे कर लिया और ये देखिए मिट्टी को मैंने बीच में कर लिया है, आपको दिखा दें। ये देखिए आप इसमें ये फर्टिलाइजर थोड़े से मैं ये फर्टिलाइजर मैं इधर और इस मिट्टी को मैं फिर ऐसे कर दूंगी। ये तो बहुत अच्छा ट्रिक बताया आपने, आप देख सकते हैं ये और ये मेरे प्लांट में फर्टिलाइजर मैंने दे दिया। और फिर मैं इसको 15 दिन बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी ये कितना बढ़िया और स्वस्थ हो जाएगा। और आप इसमें फिर थोड़ा सा पानी डालिएगा जिससे इसके फूलों से पानी बाहर ना निकले और पानी इसी में रह जाए, तभी फर्टिलाइजर इस मिट्टी में घुल के रह जाएगा और फिर देखिएगा मेरा प्लांट हेल्दी और एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो ये थी आज की टिप और ऐसी जानकारियों के लिए आप हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि आपको मिलने वाली है इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।